हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो के नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, जो कि आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा था। हम जो आज यहाँ पे उसी टाइप का नोटिफिकेशन पैनल सेट करेंगे जो कि आईफोन में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वो नोटिफिकेशन पैनल है। और सबसे खास बात, इसमें आप लोग को कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार के यहाँ पर रूट करने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आप लोग किस टाइप से नोटिफिकेशन पैनल सेट करेंगे, और ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल सेट करेंगे, आप लोग के फ़ोन का पूरा सेटअप ही यहाँ पे हम जो है आईफोन में चेंज करके बताएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बगल में बेल के आइकन को जाना ना भूले। इंडिया वीडियो पसंद है लाइक करना भूले और शेयर करना भी ना भूले। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो हम जो करेंगे नोटिफिकेशन पैनल या फिर लॉक स्क्रीन चेंज वगैरह, ये हम एक थीम की मदद से करेंगे, और थीम का नाम है आईफोन iOS थीम का नाम है। और सबसे पहले मैं आप लोग को इस थीम के फीचर्स के बारे में बता दूँगा। सबसे पहले हम बात करें इसका वॉलपेपर प्लस एप्लीकेशन आइकन, ये आप लोग को चेंज मिल जाएगा, और आप लोग को वाल यहाँ पे बैटरी आइकन प्लस चेंज मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेटिंग गाइस, तो सेटिंग में आप लोग को इस टाइप का फीचर देखने को मिल जाएगा जिसमें आइकॉन्स वगैरह चेंज मिल जाएगा। एयरबड फोन की बात करें गाइस, तो एयरबड फोन में चेंज मिलेगा, जो कि आप लोग को यहाँ पर आईफोन 6 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करें इसका फाइल मैनेजर गाइस, तो फाइल मैनेजर में आप लोगों को बदलाव मिलेगा, और जिस भी फोल्डर पे आप लोग क्लिक करेंगे वहाँ का भी सेटअप आप लोगों को बदलाव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो वीडियो रहेगी ना गाइस, इसमें मैं आप लोगों को पूरे फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊंगा। और हमारा जो मेन टॉपिक था नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, तो आप लोग को इस टाइप का नोटिफिकेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। आप लोग सोच रहे हो यार कि थंबनेल में कुछ और ही था और इसमें कुछ और ही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कलरOS 3 का डिवाइस है, इसलिए आप लोग को इस टाइप का नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग के फोन कलरOS 5 है या फिर 6 है, तो उसमें जो है थंबनेल में जो दिखाया गया है उस टाइप का आप लोग को नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, अब मैं इसका लॉक स्क्रीन आप लोग को दिखा दूँ। तो गाइस लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छा आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग टॉगल देखने को मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग का फोन ऐप जो है अनलॉक हो जाएगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जो नोटिफिकेशन पैनल था गाइस, वो भी काफ़ी अच्छा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बट आप लोग के फ़ोन अगर कलरOS 5 है या 6 है। ओके फ्रेंड, ये तो होगा फीचर्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे कि हम किस टाइप से इस थीम को अप्लाई करेंगे। तो गाइस थीम को डाउनलोड कर लेना सबसे पहले आप लोग को, तो थीम को डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है थीम को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं फिर से आप लोग एक बार बता दूंगा, इसकी थीम का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अप्लाई करने के लिए बारे में। ओके फ्रेंड, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आप लोग उस लोकेशन पर चले जाइएगा जहाँ पर आप लोगों ने जो है थीम को डाउनलोड किया है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर मैं इस लोकेशन पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर हमारी थीम आ चुकी है, और वैसे यहाँ पर मैंने पूरे वर्जन में थीम को डाउनलोड कर लिया हूँ। और जैसे कि मैं मान के चलिए ओप्पो का 837 फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसके लिए कोड लेगा विंडो वेल, जो उसमें क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो पासवर्ड मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड रहेगा iOS, आप लोग को पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, और डीकम्प्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, और फिर से आप लोग ओके वाले बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे डीकम्प्रेसिंग होगा 100% होने तक का, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। इसमें मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ गाइस, कि मुझे बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती है कि हमारे फ़ोन में थीम अप्लाई नहीं हो पा रही है, एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो गाइस मैं उन लोगों से बता दूँ कि आप लोग को जो है अपना थीम स्टोर यहाँ पे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब कि आप लोग ने जो थीम स्टोर अपडेट किया है चाइनीज़ में या फिर कोई अदर लैंग्वेज में, उस थीम स्टोर में आप लोग जो है ये थीम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग थीम स्टोर को अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। और थीम स्टोर अनइंस्टॉल नहीं करते आता आप लोग को, तो मैं इस पर पर्सनली वीडियो भी बना चुका हूँ, और इस टाइप से आप लोग प्रोसेस करिएगा। यहाँ पे हमारी थीम आ चुकी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं डायरेक्टली इसे अप्लाई कर दूँगा, और आप लोग इस टाइप का थीम का लाभ यहाँ पे उठा पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग की थीम कैसी लगी। ओके, एंड इस थीम का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उम्मीद करें दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो वीडियो कमेंट करना भले, हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो जय माता दी।